आईएनएफसी का शेयर, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा था कि यह शेयर एक तरह से रॉकेट बन जाएगा, उड़ेगा आसमान में, मल्टीबैगर बनने वाला है, मैंने पहले भी बता रखा है। लेकिन एक मेरे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है दीपक, उन्होंने कमेंट किया है कि मैंने यहां पर शेयर खरीद लिया और मुझे नुकसान होने लगा है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें इस शेयर के बारे में पूरा एनालिसिस किया था। मैं पहले भी बोलता हूं, मैं फंडामेंटली पहले चेकलिस्ट करता हूं। आज ये शेयर अच्छा खासा उछाल दिया है, इसका रीजन फंडामेंटल है, टेक्निकल बाद में है मेरे भाई, ठीक है। और गलती कहां की दीपक भाई ने, गलती कहां की जो आप मत करिएगा, जो नुकसान हुआ 3 महीने तक उनका नुकसान हुआ, अब ये गलती कहां करते हैं ये समझिएगा। और दीपक भाई को मैं वार्निंग दूंगा कि भाई मेहनत के पैसे हैं, इसे उड़ाओ मत, और इमोशन से ना शेयर मार्केट नहीं चलता, आपके रोने धोने से या आप रोओगे बहाने बनाओगे इससे नहीं चलता, इमोशन से नहीं चलता शेयर मार्केट, आपके एक्सपीरियंस आपके अनुभव से चलता है। आपने गलती कहां की है मैं आपको बताने वाला हूं दीपक भाई, ध्यान समझिएगा आपने गलती कहां की है। आईएनएफसी का शेयर अच्छा है लेकिन आपने कहां गलती की समझिए, ताकि कोई और ये गलती ना करे। आज का ये शेयर है, मैं आज का प्राइस बता रहा हूं, आज 186 करेंट वैल्यू चल रहा है इसका। रीजन क्या है, 5.84 का ये इंक्रीमेंट दिया, परसेंट का इंक्रीमेंट दिया है, टुडे का है, एक दिन का, जो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पहले बताया रखा था कि 5% उठेगा और ये बहुत सारे न्यूज में भी था और सच्चाई था, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन का सबसे बड़ा इसमें इलेक्शन का एफर्ट है, तो लोग जानते हैं कि इलेक्शन में बीजेपी आ रही है तो वो पैसा लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ बात समझने वाली है, पैसा सिर्फ रिटेलर नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले भी हैं और बहुत सारे फॉरेनर भी हैं, ठीक है, वही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो लंबा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बात समझना। और यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है और एक बिगनर ट्रेडर होता है, यही अंतर होता है, समझना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ना छोटी सी चीज है, मनोवैज्ञानिक वाली चीज है, समझो, पैसे लॉस होंगे ना तो आपके हैं, और क्या इमोशन से हमेशा नहीं शेयर खरीदे जाते, ठीक है, समझो इस बात को। यहां देखना मेरे दीपक भाई ने गलती कहां की है, दीपक भाई ने गलती हो, यहां पर ये क्या था, यहां पर इसने सपोर्ट बनाकर रखा हुआ था, जैसे ही यहां तक जाता है और दीपक भाई ने सोचा कि अब तो शेयर ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, मैं इसे खरीद लेता हूं। भैया एनएससी का भी एक रूल है कि 8 या 10% ही उठ सकता है, ज्यादा उठेगा तो उस पर ऑब्जेक्शन लग जाता है, शेयर ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता है, बात समझो। मुझे मालूम है कि अगर इतना उठ गया तो मैं खरीदारी कभी नहीं करूंगा, अगर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस से ऊपर उठ गया मैं खरीद लिया, अगर इंट्राडे खेल लो तो रिस्क लो, डिलीवरी में हो तो मत लो, मैं मना करूंगा। रीजन क्या है, अब भाई ने क्या किया कि यहां तक तो उठा, अब जैसे शेयर यहां पर आया भाई ने सोचा कि तो उठ रहा है तो और आसमान पे जाता जाएगा, अभी 186 से और ऊपर जाएगा, इससे और ऊपर जाएगा, इन्होंने पैसा लगा दिया। इन्होंने कहां पैसा लगाया, इन्होंने पैसा लगाया है 188 पे 188 पे। भैया इसने नीचे आना है, जब कोई तेज से कोई चीज चढ़ती है ना, जो एनर्जी लॉस होती है, तो फिर एनर्जी लॉस होने के बाद, छोटी सी मैं उदाहरण बता रहा हूँ, फिर वो एनर्जी बनाने के लिए दौड़ने के लिए फिर रुकता है, फिर एनर्जी बनाता है, फिर दौड़ता है आगे की तरफ, समझ रहे हो, इसे जाना है आगे, लेकिन ये रुकेगा, ये शेयर, इसने गलती की, टेक्निकली नहीं, फंडामेंटली गलती नहीं की, इसने इमोशन से गलती किया, इसे लगा कि शेयर तो ऊपर जा रहा है, इसने 186 पे ही खरीद लिया जो उसका सबसे बड़ा हाई टारगेट प्राइस था, और वहां से वो नीचे बिलो आएगा, अब वो शेयर नीचे आएगा, हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन अभी मुझे फंडामेंटली लग रहा है कि नहीं जाएगा, अभी ये और नीचे जाएगा, हो सकता है आपको 1-2 महीने इंतजार करना पड़े, हो सके तो ये 15 दिन बढ़ जाए जिस तरह इलेक्शन हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि इमोशन से मत खेलो, इसने इमोशन से लिया है, मैं दीपक भाई ने 68,000 का उन्होंने रिस्क ले लिया, कहीं ना कहीं आपका पैसा है, इमोशन से नहीं खेलना है, ठीक है, मैंने ये बता दिया, इस बात का ध्यान रखो, कभी भी जब कोई शेयर एकदम हाई लेवल में उठ रहा हो, अगर आपने पहले परचेज कर रखा है तो उसे सेल करो, इंट्राडे खेल रहे हो तब समझकर डिलीवरी में, सॉरी इंट्राडे ले रहा है तो मार्जिन के साथ खेलो, क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना भी है तुम्हें वहां से,
फायदा बहुत होता है, अगर ऐसा हो इंट्राडे मिल जाए तो बहुत अच्छा फायदा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना स्पीड से ऊपर जा रहा ना भाई। क्योंकि यहां पर जो पैसा पहले इन्वेस्ट किया है, जैसे इतना प्रॉफिट जाएगा वो तुरंत कट करेंगे, वो प्रॉफिट लेके अपना बाहर निकलेंगे। जो यहाँ ये क्या लग रहा है आपको, ये लाइन क्या है? यहाँ पर कोई बंदे ने अपना पैसा लगा रखा है, सीधी सी बात है भैया, पैसा लगा रहा, जब इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा तो यहाँ क्यों बैठेगा, वहां से काट देगा तुरंत, बोले भैया मेरे को इतना पैसा चाहिए, लेके निकल जाएगा, वो नीचे गया सट से नीचे आ जाएगा शेयर, आप तो गए। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले ऐसा नहीं करते, थोड़ा पैसा डालते हैं फिर रुकते हैं, ऐसे ऐसे करके पैसा डालते हैं, तो छोटे छोटे करके कट करते हैं, वो लंबा कट नहीं करते आजकल, छोटे छोटे कट करके करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में ही अंतर होता है, वो कभी यहाँ बाय नहीं करेगा, वो रुकेगा, होल्ड करेगा, अपने इन्वेस्टमेंट को दबाएगा, बोलेगा नहीं भैया नुकसान से अच्छा है कि मैं खरीदारी ना करूं, आज कोई नुकसान ना करूं, यही सबसे बड़ा मेरा प्रॉफिट है, समझो। मैंने इसलिए बताया क्योंकि बंदे ने मुझे कमेंट किया, अब मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं लगा पा रहा हूं, आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं किसी के इमोशन से नहीं खेल सकता, क्योंकि वो भी उसने भी पैसा कमाने के लिए लगाया है, बस एक पूरी जानकारी दिया ताकि गलती आप ना करो, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।